भारत तक अब नए अंदाज में। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सिमरू ज्वालामुखी फटने के कारण यहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि अब तक इसमें 14 लोगों की जान गई और इसकी पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि इस ज्वालामुखी के फटने के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं है और हर तरफ बस ज्वालामुखी का राख है। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने बताया है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि अब तक 14 लोगों की इसमें जान गई है और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं इसमें घायल हैं। सरकार का कहना है कि ज्यादातर लोग ज्वालामुखी फटने के कारण जल गए हैं। इंडोनेशिया के टोबले से 259 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर आज सुबह भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए हैं। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6 दर्ज की गई है। हालांकि इससे किसी को नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इस ज्वालामुखी से राख और धुआं निकल रहा था। ज्वालामुखी से निकले राख और धुएं की परत इतनी मोटी है कि पूरे जावा द्वीप पर इन दिनों दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा है। इस क्षेत्र में ऑपरेट होने वाले विमानन कंपनियों ने पायलटों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में फंसे हुए हैं जहां बचाव कर्मी भी नहीं पहुंच सकते। घने धुएं के गुबार से लोगों को निकालने का प्रयास बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि सिमरू इंडोनेशिया के 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और सबसे घनी आबादी वाले प्रांतों में ये स्थित है। ये इस साल का दूसरा विस्फोट है। पिछला 1 जनवरी को हुआ था और उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। आपको बता दें कि ज्वालामुखी के फटने के बाद से ये राख जो है वो 50,000 फीट यानी कि 15,000 मीटर तक दिखाई दे रही है और कई गांव जो है इस राख की आगोश में हैं, दबे हुए हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं है। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से एक घने धुएं का गुब्बारा लोगों की तरफ बढ़ रहा है और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं।